गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्टार वी एग्जाम टिक्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने सीखा था वर्गों की संख्या प्राप्त करने के लिए, और इस वाले क्लासेस में हम सीखेंगे आयत का संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो का मैंने एक प्रश्न यहाँ पर दिया था, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। 3 से 4 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अगर इस टाइप का हाउ मैनी गिवेन फिगर इन द नंबर ऑफ स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू, मतलब इसमें आपसे पूछ लेगा कि बताइए वर्गों की संख्या कितनी होगी इसमें, तो आप लोग सबसे पहले निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, नंबरिंग कर लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 हम क्या करते थे, 1 2 3 4 अगर 4×4 का सीरीज है तो हम इसका भी स्क्वायर कर लेते थे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस और 4 का बड़ा 4 में करेंगे 16। तो 16 9 25 25 और 4 29 31। तो हमें वर्गों की संख्या इसकी तो मालूम हो गया कि मतलब 30 होगा। हमने एक फिगर और ड्रा किया था इस तरह का, जब हमने वर्ग सिखाया था तो पहले में ही यह फिगर ड्रॉ किया था। और देखिए, यह इसको हटा दीजिए, बड़े वाले को हटा दीजिए, एक छोटा छोटा फिगर इसमें आपको स्क्वायर के रूप में दिखाई देगा। तो यह भी सेम नंबर का सीरीज है। ठीक है, सेम नंबर का सीरीज है। तो हम लोग क्या करते थे, इसको क्या करते थे, 1 2 3 4 और इसको जोड़ने पर कितना आ रहा था, 5। 2 का स्क्वायर कर देंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे बराबर जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 5। तो हमें इसका कितना मिल गया, 5। इसका भी कितना मिल जाएगा, 5। इसका भी 5 मिल जाएगा, इसका भी 5। तो हम क्या करेंगे, 5 10 5 15 5 20, इसमें प्लस 20 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 50। ठीक है, तो हमने इसमें क्या निकाला, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, इसमें हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ स्क्वायर यानी वर्गों की संख्या। हमने यहाँ पर क्या निकाला, वर्गों की संख्या, कुछ नहीं करना है, सेम सीरीज है, तो हम सबका नंबरिंग कर लेंगे और वर्ग का आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर 30 आया, और पहले मैंने फिगर एक ड्रॉ किया था उसमें हमारा क्या था, 5 आया था। इस प्रकार से 4 हैं 4 वर्ग दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 प्लस 20 बराबर 50। तो आइए दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले वाले वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए धन्यवाद। तो आइए आगे चल के सीखते हैं आयत कैसे निकालते हैं, आयतों की संख्या कैसे प्राप्त करें। तो फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे आयत की संख्या निकालना। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, ठीक है, इसमें आप लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल को सबसे पहले आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक छोटे से घंटे का निशान होगा, उसको दबा लेंगे। ठीक है, एक छोटे से घंटे का निशान होगा, उसको हम क्या करेंगे, दबा लेंगे। और ये इस पर बार बार ऐसे दबाने से क्या होता है, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो आइए सीखते हैं आयतों की संख्या। मैंने एक फिगर ड्रॉ किया था पिछली क्लास में, आपको पहले तो सीख लेते हैं कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है। तो वर्ग में मैंने बताया था आप लोगों से कि सभी कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, एक आयत बना लेते हैं। चलिए, मैंने बोला था इसमें सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होता है, और चतुर्भुज के चारों भुजाओं के कोणों का योग बराबर कितना होता है, कितना होता है, 180 180 बराबर 360 के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, वर्ग, इसको आयत कहेंगे। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है आपस में, यह भुजा इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा और इसके भी, तो इसमें सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, जितनी बड़ी यह भुजा होगी उतनी बड़ी यह भुजा होगी, जितने सेंटीमीटर यह भुजा होगी उतनी सेंटीमीटर यह भुजा होगी। तो हमें अंतर तो पता चल गया कि यह वर्ग होता है या आयत होता है। देखिए, हमारे वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही आसानी तरीके से सीख पाएंगे, तो हमारे चैनल को जुड़े रहिए। ठीक है, और अभी अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए,
और मेरी जो भी वीडियो अपलोड होती है उसको आप पूरा देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे, तभी इस वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले बने रहिए और देखिए क्या होता है। तो मैंने बोला था कि वर्ग और आयत में अंतर। तो वर्ग में आयत, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। और आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक वर्ग क्या हो सकता है? आयत हो सकता है। लेकिन क्या एक आयत वर्ग हो सकता है? नहीं हो सकता।